मेरे मेहरबान खुदा, मेरे इन नन्हे हाथों को पकड़ ले और मेरी मदद फरमा, ताकि तुझे कभी भी ना भूलूं। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दिल में रहे। मेरी दादी हमेशा कहती है कि तू बहुत बड़ा है और बुजुर्ग है। मुझे नहीं पता कि तू मेरे इस छोटे से दिल में कैसे आ पाएगा। मेरे खुदा, सब लोग काम से थक जाते हैं फिर सो जाते हैं, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी। हम जो भी काम करते हैं थक जाते हैं, फिर हमें नींद चाहिए होती है, हमें खाना और पानी ज़रूरत होती है और भी बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। हर चीज़ की ख्वाहिश एक तू है जो कुछ नहीं चाहता। ऐ खुदा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे खुदा, जब मैंने अपनी बहन की पेंसिल धीरे से उठाकर बेड के नीचे छुपा दी तो मैं जानती थी कि तू देख रहा है। जब मैंने अपनी बहन से झूठ कहा कि मैंने नहीं उठाई है, तब भी मैं जानती थी कि तू सुन रहा है। और जब दो दिन गुजर गए और मैं खुद को भूल गई कि मैंने कहाँ छुपाई थी, तो मैं जानती थी कि तुझे मालूम है। जब मेरी बहन मुझ पर बहुत गुस्सा हुई तो मैं जानती थी कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं है। खुदाया, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरी मदद फरमा कि अब दोबारा कोई गलत काम ना करूँ। ऐ मेरे खुदा, आज मैंने सूरह हम्द का माना समझा। मेरी माँ ने उसका मतलब बताया, बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ ने वादा किया है कि रोज़ाना एक सूरह का मतलब मुझे बताएगी। मुझे कुरान बहुत पसंद है, मैं कुरान को शेर की तरह याद करना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि जो लोग कुरान हिफ्स करते हैं तो उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं भी कुरान हिफ्स करना चाहता हूँ और उसका मतलब भी जानना चाहता हूँ। तू मेरी मदद कर कि मैं जल्दी इस काम को कर सकूँ। मेरे खुदा, तुझसे मेरा एक सवाल है। तू आसमान के ऊपर इतनी बुलंदी से सब कुछ देखता है, अगर तू आसमान में है तो हमारी आवाज़ कैसे सुन लेता है? मेरी माँ कहती है कि अगर अपने दिल में बात करें तो खुदा सुनता है, लेकिन तू किस तरह से इतनी दूर से हमारी आवाज़ें सुन लेता है? मेरी टीचर कहती है कि तू आसमान में भी है और सारे जहान में, तू हर जगह मौजूद है। कितना मुश्किल काम है तेरा हर जगह रहना और देखना। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहती थी, क्या तू बता सकता है कि इस वक्त कहाँ है? खुदाया, कल रात मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा। नींद से चौंक कर उठा, बहुत डर गया था। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, एक भी दांत नहीं है। मैं अपनी दादी की तरह हो गया हूँ, जिनके नकली दांत है। मैं जब चौंक कर उठा तो प्यास लग गई थी, पानी पिया और शुक्र अदा किया। मैं तुझसे और खुद से वादा करता हूँ कि हमेशा मैं अपने माँ बाप की बातें सुनूंगा और हमेशा अपने दांतों की हिफाजत करूँगा। तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे दांतों की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे खुदा, आज ये तय हुआ था कि हमें घूमने ले जाएंगे एक बड़ी सी मस्जिद को दिखाने के लिए। कहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि उसे एक बहुत ही अच्छे इंसान ने बनवाई है, ताकि वहाँ सब जाकर नमाज पढ़े और मुनाजात करे। उन तमाम इंसानों ने जिन्होंने भी मस्जिद बनवाई है, मैं उन लोगों का एहतराम करती हूँ। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि सब मुझसे भी मोहब्बत करें। मैं भी बड़ी होकर सबके लिए मस्जिद बनवाना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे बाबा कहते हैं कि बहुत से लोग स्कूल भी बनवाते हैं, कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा काम है। मेरे खुदा, मेरी मदद कर ताकि मैं भी जल्दी से बड़ी हो जाऊँ और मस्जिद बनवाऊँ और सभी मुझसे मोहब्बत करें। मेरे खुदा, आज रात मुझे भी कोई काम नहीं है, मैं आज सिर्फ तुझसे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरी बातें बहुत ही तवज्जो से सुनता है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। मेरा भाई राशिद कहता है मैं उसकी तरफ से तेरा शुक्र करूँ। मैंने कहा कि वो खुद तुझसे कहे, क्योंकि तू तमाम बच्चों का दोस्त है और उनकी बातें सुनता है। खुदाया, कितना अच्छा हो कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं। जब हम दोस्त बन जाएंगे तो दिल को जल्दी सुकून मिल जाएगा। खुदाया, मेरी मदद कर ताकि तेरी इस दोस्ती की कदर कर सकूं, क्योंकि
ये दोस्ती सारी दुनिया की दोस्ती से बढ़कर अजीम और खूबसूरत है। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, इस तरह बड़े होकर मैं कुछ काम कर सकूँगा। रोटी लाऊँगा, सौदा लेने जाऊँगा। अभी मैं जब कोई काम करना चाहता हूँ तो मेरे माँ बाप कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरे खुदा, क्या तू कुछ ऐसा कर सकता है कि मैं एक दिन में बड़ा हो जाऊँ? जानता हूँ मुश्किल काम है, लेकिन मैंने एक फिल्म में देखा था कि एक लड़के ने ख्वाहिश की तो वो बड़ा हो गया। मैं भी जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। मेरे बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे बड़े होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँ? खुदाया मेरी मदद कर।